Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya kana abudu wa ya kana astayim. सबसे पहले तो अली ज़ैदी आपको और उस्मान डार आपको मैं इस चीज़ की खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने एक वो इनिशिएटिव लिया कि जो नज़रिया हमारा जो हमारी गवर्नमेंट का नज़रिया है, जो हमने 25 साल, अब इंशाल्लाह संडे को 25 साल हो जाएंगे हमारी मूवमेंट को, तो इस मूवमेंट का बेसिस ही ये था कि हम एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करना चाहते थे। इंशाल्लाह जब हमारे 5 साल कंप्लीट होंगे तो मैं, लोग कहते हैं ना कामयाबी क्या है, मेरी कामयाबी ये होगी कि मुल्क में गुर्बत कम होगी। पर अब जो UNDP की रिपोर्ट निकली है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि पख्तूनख्वा तकरीबन 2013 में सबसे पीछे रह गया था। एक तो वॉर ऑन टेरर भी थी और जो बिजनेसेस थी वो बंद हो रही थी, लोग आ रहे थे इस्लामाबाद। तो 2013 से 2018 तक जिस सूबे में सबसे तेज़ी से गुर्बत कम हुई और अमीर गरीब का फ़र्क कम हुआ वो पख्तूनख्वा था, UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक। तो जो हमें माशाल्लाह जो 2/3 अक्सरियत मिली थी उसकी मेन रीज़न ये थी कि लोगों के जो आम आदमी के हालात बेहतर हुए थे। तो 5 साल के बाद इंशाल्लाह जब हम फिर जाएंगे लोगों के पास तो मैं कामयाबी ये समझूंगा, ये नहीं कि हमारे अमीर कितने अमीर हो गए हैं, हमने कितने लोगों को गुर्बत से ऊपर लेके आया, उनको निकाला गुर्बत से। और ये जो आपने आज कदम उठाया ये वो तबका है माहीगीरों का जो बहुत ही मेहनत कश और मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं। इनकी ज़िंदगी आसान नहीं है क्योंकि जाते हैं, कभी मछली नहीं पकड़ी गई तो जिस तरह दिहाड़ीदार होता है, अगर उसको अगर नई दिहाड़ी मिली तो कई दफ़ा उनके घर में बच्चे भूखे सोते हैं। इसी तरह ये एक ऐसा प्रोफेशन है। और बदकिस्मती से जो अली ज़ैदी ने अभी बात की कि बड़े बड़े ट्रॉलर्स आते हैं बाहर के, करप्शन होती है, उनको आना नहीं चाहिए, उनको इजाज़त नहीं, लेकिन हम खुद उनके साथ हमारे लोग पैसे ले कर उनको इजाज़त देते हैं और वो उतनी ज़्यादा हमारे इलाके से मछलियाँ ले जाते हैं। तो वह असल तो इफ़ेक्ट बचा रहा है ये जो छोटा माहीगीर है ये होता है। तो इनकी और अगर इसी तरह ही चलता रहा तो ये बेचारों के लिए तो आगे बहुत बुरे हालात हैं। लिहाजा ये जो आज आपने स्कीम इन कोलेब्रेशन, और मैं ये चारों बैंकों को भी इसमें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि चारों ही बड़े वो बैंक्स हैं जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। एक तो होता ना बैंक बना डिपॉजिट्स गवर्नमेंट के लिए, यानी गवर्नमेंट ने कर्ज़े लिए बैठे बैठे पैसा बन गया। एक होता है जो एक्चुअली बैंक एक इंजन ऑफ ग्रोथ होता है इकॉनमी के लिए, जो सारी इकॉनमी उठाना शुरू करता है। तो ये इन चीज़ों से इकॉनमी उठती है कि जब आप सस्ते कर्ज़े दें, और ये जो आपने अभी कामयाब जवान के अंदर इन माहीगीरों को कर्ज़े दें ताकि वो अपनी किश्ती खरीद सकें, वो फिर अपने जाल, अपने जो पकड़ने के लिए मछली नई जो दुनिया में इक्विपमेंट है वो ख़रीद सकें, फिर वो अपने आप को अपग्रेड कर सकें, यानी ये जो और अब मैरिटाइम इनकी मदद भी कर रही है कि वो कोल्ड बॉक्स या ये जो कोल्ड स्टोरेज मछलियों के लिए, ये बिल्कुल एक स्टेप आ गया है। और इसी तरह ये जो सारा प्रोफेशन है मछली पकड़ने का, ये ऊपर जाता जाएगा और ये वैल्यू ऐड करता जाएगा। अभी हमारा वैल्यू ऐड भी नहीं करते, वो बेचारा मछली वो सस्ती मछलियाँ भी बेच देता है। फिर ऊपर से कराची का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये जो अब आपने मेंशन किया पोल्यूशन का, जिस तरह सारा वेस्ट कराची की सॉलिड वेस्ट और सीवरेज सारा जा रहा है समुंदर के अंदर, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो ये डिफरेंट इशूज़ के ऊपर आपने बात की। मैं सबसे पहले तो इस पर कहूँ कि ये जो आपने आज काम किया माहीगीरों के लिए, मेरे ख़्याल में ये इंशाल्लाह ये सारे लोगों की ज़िंदगियां बेहतर करेगा जो कि मेहनत कश लोग हैं। और इसके ऊपर मुसलसल इनको हम कोशिश करेंगे इनको अपग्रेड करने की। दूसरी चीज़, ये आपने फ़िशरीज़ की बात की, पाकिस्तान में इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, कई चीज़ों में पाकिस्तान में बहुत ही पोटेंशियल है, एकदम ही मुल्क ट्रांसफॉर्म हो सकता है। टूरिज़्म बहुत पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर बड़ा
बहुत पोटेंशियल है। मसलन ये सिर्फ सोचा ही है तो आज इनकलाब आ रहा है। अब जैतून का जिस जितना अब जैतून का दरख्त लग रहा है ये बिल्कुल चेंज कर देगा। अगले 2-3 साल में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ये और वो इलाके जिधर बड़े गरीब लोग रहते हैं, यानी वहाँ कुछ उगता नहीं है, उधर जैतून के दरख्त आ चुक रहे हैं, तो वो लोगों की जिंदगियाँ बदल जाएंगी आगे। मैं कल भी मैंशन किया कि एवोकाडो, किसी को पता ही नहीं है कि ये हमारा जो सारा इलाका है, ये नॉर्थ ऑफ लाहौर से आप नॉर्थ चले जाएं, सारा ये जो इलाका ये एवोकाडो के लिए बेहतरीन इलाका है। एवोकाडो एक वैल्यू एडेड सब्जी है जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन में होती है। तो ये सारी नई चीज़ें आ रही हैं। एक जो ईरान बड़ा एक्सपोर्ट करता है क्या नाम है अली इसका, क्या नहीं 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 वो जो ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान वो भी एक अब ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इतना वैल्यू एड, और वो उस जगह पे उगती है जगह और कुछ नहीं उगता। तो जो जो हम अब अपनी जेन लड़ाएंगे हर जगह पोटेंशियल। लेकिन फिशरीज़ की मैं बात कर रहा था, अब केज फिशिंग है चाइना के अंदर, सारा हमारा कोस्ट लाइन पड़ी है, कराची से थोड़ा राइट लेफ्ट पे चले जाओ, सारी कोस्ट लाइन पर केज फिशिंग हो सकती है। ये चाइना इसमें एक्सपर्टीज़ है। फिर दरियाओं के अंदर हो सकती है, फिर हमारे पास दरिया है, कहीं भी आप केज फिशिंग कर सकते हैं। तो ये एक और पोटेंशियल है, हम अपने लोगों की न्यूट्रिशन भी, प्रोटीन लेवल्स भी ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बैंकों से सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो छोटे लोगों को कर्ज़े देना है, ये अपने स्टाफ को प्लीज़ ट्रेन करें इस चीज़ के लिए। हमें हम जो देख रहे हैं घरों के लिए जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, जो गरीब लोगों के घरों के लिए कर्जे हैं, वो सारी जगह कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वो बैंकों में जाते हैं और वो बैंक उनको सही तरह सर्विस नहीं करते, उनके अंदर बैंक्स के अंदर वो अभी कैपेसिटी नहीं है कि वो छोटे आदमी को कर्ज़े दे सकें घरों के लिए। तो उधर भी प्रॉब्लम आ रहा है, और ये कामयाब जवान में भी प्रॉब्लम ये आ रहा है कई दफ़ा कर्ज़ों का कि वो प्रोसेस बड़ा स्लो है। लेकिन नई चीज़ है, शुरू हुआ है पाकिस्तान में, हाउसिंग भी पहली दफ़ा, मॉर्गेज फाइनेंसिंग पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा शुरू हुई है। तो ये थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह ये उठ जाएगा, लेकिन मैं फिर से भी बैंकों को ताकीद करता हूँ कि इस पर पूरा जोर लगाएं। जो आपने आखिरी बात की ये जो पोल्यूशन की, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्लम है पोल्यूशन शहरों का। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि शहरों में अनप्लान्ड सेटलमेंट हो रही है, कोई प्लानिंग नहीं होती, तो शहर फैलते जा रहे हैं। जितने जितने शहर फैलते जा रहे हैं, उनको पानी देना, उनका वेस्ट गंदगी उठाना, ये सारा बिजली वगैरह अम्यूनिटीज, ये सब महंगा भी होता जाता है, मुश्किल होता जाता है जितना शहर फैलता जाता है। और दूसरा हमारा जो हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है, जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी, जरा हमें लोगों के लिए अनाज पैदा करना है, वो कम होता जा रहा है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमने जो रावी सिटी लाहौर में बना रहे हैं, और फिर लाहौर के अंदर जो कि बिजनेस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, अब हम ऊपर लेके जा रहे हैं बिल्डिंग्स को। और जितना, क्योंकि ये होना पड़ेगा पाकिस्तान में, जितनी हमारी आबादी बढ़ रही है, अगर हम इसी तरह फैलते जाएं तो ना हम पोल्यूशन से कोप कर सकेंगे, ना हम अपने लोगों को फूड सिक्योरिटी दे सकेंगे, और ना ही सर्विस कर सकेंगे, यानी शहरों के अंदर जो अम्यूनिटीज है वो नहीं दे सकेंगे। इसलिए ये ज़रूरत है कि एक मॉडल्स बने नए शहरों के, और हमारी पूरी कोशिश है कि सिंध गवर्नमेंट को कन्विंस करें बंडल आइलैंड का, कि एक पूरा एक ज़बरदस्त एक मॉडर्न सिटी बने जिसके अंदर एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाए, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर पैसा भी आए, नौकरियां भी आए, इसकी ज़रूरत है। अब फैलती जाएंगे शहर, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आगे अजाब बनता जा रहा है, और इसमें पोल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम बन रहा है पाकिस्तान में। लाहौर में आप देख लें कि लाहौर के अंदर जो पोल्यूशन लेवल्स अब हैं, वो बच्चों की और बूढ़ों की ज़िंदगियों पे ख़तरा होना शुरू हो गया, जिस लेवल की पोल्यूशन चली गई है वह। तो वो अगर वो फैलता गया लाहौर इसी तरह, तो और ज़्यादा ये पोल्यूशन बढ़ जाएगी। और तो कराची के अंदर, क्योंकि कभी किसी ने गरीबों के लिए घर बनाए नहीं, ये पहली दफ़ा बन रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग, तो वो सारे जाके कच्ची आबादियाँ बन जाती हैं। 40% कराची कच्ची आबादी है अब, क्योंकि वो बेचारे, क्योंकि उनके घर नहीं बन, उनके पास पैसा नहीं होता, तो वो फिर ये कच्ची आबादियों में रहना शुरू कर देते हैं।
तो इसके लिए हम अभी पूरा नया प्लान लेके आ रहे हैं, कच्ची वादियों को कैसे रिहेबिलिटेट करना है। और फिर ये जो बंडल आइलैंड बन रहा था, इसमें हमने ये सारा जो सीवरेज का पानी आ रहा है समुंदर के अंदर, इसको ट्रीट करना था। तो हमारे सारे मॉडर्न प्लान्स बने हुए हैं। तो हमें इंशाल्लाह ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में अब हम इसकी पोल्यूशन के ऊपर भी कोशिश कर रहे हैं। लाहौर के अंदर जो असल पोल्यूशन का प्रॉब्लम था, उधर भी हमने अब ये जो पूरी कदम उठा रहे हैं, जो नया शहर बना रहे हैं, इसके अंदर तकरीबन 70,000 हम नए उधर दरख्त उगा रहे हैं या पूरा। सो ये एक पूरी प्लानिंग, अब जो लाहौर के अंदर 50 साइट्स के ऊपर मियावाकी फॉरेस्ट, ये जो जापानीज़ का एक आइडिया है, नए छोटे छोटे एरियाज़ में ऐसे लगा रहे हैं जो बड़ा ऑक्सीजन देते हैं माहौल। तो ये अब हमें सोचना पड़ेगा आगे का, कराची का भी सोचना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। इस तरह का दरिया समुंदर के अंदर जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं, ये माहीगीरों के भी जो इर्द गिर्द हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, वह तो मछली खाने के काबिल ही नहीं रह गई। तो इसके लिए एक अलहदा पूरा प्रोग्राम हम बना रहे हैं और इंशाल्लाह ये सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कराची में भी ये जो जा रहा है सारा गंदगी समुंदर के अंदर, इसको भी हम रोकें। मैं आखिर में फिर आपको दोनों को, अलिया आपको और उस्मान आपको मुबारक देता हूँ और बैंक्स को भी मुबारक देता हूँ कि ये ज़बरदस्त प्रोग्राम है माहीगीरों को जो मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं उनके लिए आप सस्ते कर्ज़ दे रहे हैं।